हद होती है हर बात की, इंतहा होती है बेशर्मी की। आखिर इस घर में ये हो क्या रहा है? शोर क्यों है इतना? आखिर तुम यहां कर क्या रही हो? क्या हो गया है सुबह सुबह, क्यों इतना शोर मचा रखा है? पूछो इससे, ये लड़की मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी? असली तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं पूछ रही हूँ इससे। अम्मी क्या आप खामोश होंगी? देखिए आप जरा तहम्मुल से काम ले, मैं आपको हकीकत बता देती हूँ। कल रात में मैं और हशमत दादा अपने घर में बैठे हुए थे, हम ड्रिंक कर रहे थे। वो मुझसे अपने माजी की बातें शेयर कर रहे थे, इसीलिए हमने शायद ज्यादा पी ली और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने आपको सच सच बताने की पूरी कोशिश की है। मेरा यकीन करें, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, किस तरह आ गई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन करें, ये सब कुछ सिर्फ हादसाती तौर पर हुआ। मुझे क्या पता था कि इतनी सी ड्रिंक इतना असर कर देगी और मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगी और यहाँ पहुँच जाऊंगी। सीरियसली यकीन करें, चाहे तो ना करें। असली हाँ बोलो, मुंह बंद करो। लो हो गया। अजमी साहिबा, अजमी साहिबा, देखिए इस घर में क्या क्या हो रहा है और आप अब तक सो रही हैं। आप दादी माँ को क्यों बुला रही हैं? वो घर पर नहीं है। दारिया मैम, मेरा नहीं ख्याल यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आप इतना गुस्सा हो रही हैं। दरअसल तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो, कीड़े मकोड़े हर जगह दिखते हैं और जहाँ बस चले वहाँ निकल आते हैं। और अब तो बस बहुत हो गया, ठीक है बस, आज के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा अम्मी आप अपने कमरे में जाएं। इस लड़की को बता दो इस घर के ख्वाब देखना छोड़ दे। खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाएं और कमरे में जाएं। असली वो गुस्से की तेज है, बुरा मत मानना। हयात वो कल रात मैं वाकई तुरक से बात करने ही आई थी यहाँ पर, माफ करना तुम पहले ही इतने परेशान हो, मैंने आ कर दिया। माफी मत मांगो, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं रुको, हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। सॉरी अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ।